잠깐만 고요. 오 이게 야 오이. 오늘 로또가 됐어. नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश केसरवानी और आप देख रहे हैं बीपीसी न्यूज। आप लोगों के बीच में ऐसे विशेष नए लोगों से मुलाकात कराए जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सारिक जी। नमस्कार मोहम्मद सारिक जी। नमस्कार। आप राजनीति में कब से आए हैं और राजनीति में किस तरह की आप समाज सेवा करना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में हमारे परिवार का इतिहास है कि हमारा परिवार जो है बहुत ही पुराना परिवार है और यहाँ पे नैनी में पूरा बसाने का काम कार्य किया है। विभिन्न स्कूलों को हम लोगों ने ज़मीनें डोनेट की है, कई मलिन बस्तियों को जो है हम लोगों ने बसाया है और आपके कई फैक्ट्रियाँ, जितनी भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, मैक्सिमम उसमें जो है ज़मीन डोनेट करने का काम किया है। आपका नैनी सेंट्रल जेल है, उसमें भी डोनेट करने का काम किया है और विगत 20 वर्ष तक हमारे दादा जो हैं वो यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं। तो हमारा परिवार बहुत पुराना परिवार रहा है राजनीति में और सबसे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा परिवार थोड़ा समाज सेवी रहा है हमेशा से। तो जो छवि है परिवार की, उस छवि को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा प्रयास है हमारा, तो वही सब चल रहा है। तो आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बड़े स्तर पे राजनीति में रहा हो? हमारे ननिहाल में बहुत लोग हैं, ननिहाल मामा वगैरह हैं, सब हैं और हमारे दादा हैं। और अब देखिए ऊपर वालों क्या मंजूर है, क्या चलना है क्या नहीं चलना है राजनीति में। राजनीति तो एक ऐसा हिस्सा है कि इंसान को चाहे बुलंदी पे हो चाहे नीचे हो, मेन कार्य उसका समाज सेवा होती है। तो समाज सेवा ही मेन काम है, वो करना चाहिए सबको, वही किया जाएगा। जैसा कि मोहम्मद सारिक जी ने बताया है कि इनके खानदानी भी इसमें राजनीति से जुड़े हुए थे और ये भी समाज सेवा करना चाहते हैं, तो मोहम्मद सारिक जी ये बताएं, जैसा कि देश में चल रही है, लोग सरकार जो है राशन मुहैया जो भी सुविधाएं मुहैया हो रही है लेकिन छोटे स्तर पे लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही हैं, उसमें आप लोगों के क्षेत्र में भी ऐसी सूचनाएं सुनने को मिलती होंगी और उसमें आप किस तरह की मदद करते हैं? देखिए, विगत 21-22 दिनों से मैं राशन जो है वो वितरण कर रहा हूँ। राशन का मतलब कच्चा राशन, और सेल्फी और फोटो से बहुत दूर शुरू से रहा हूँ क्योंकि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो भली भांति हमें जानते हैं, तो मुझे सेल्फी और फोटो खिंचाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी है। और अगर आपके दिल में अगर मानवता है, इंसानियत है
और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो आप जो है उसको तरीके से करिए। तरीका होता है आप लिस्ट बनाइए, लोगों को डिप्यूट करिए और क्रम संख्या के हिसाब से, मकान के हिसाब से, वार्ड के हिसाब से, गलियों के हिसाब से आप जो है लिस्ट बनाइए और वहाँ पे दो लोगों को आप भेजिए। सोशल डिस्टेंस का ध्यान दीजिए और जो लोग जाएं वो जागरूकता की बात भी करें। आप तो राशन पहुँचा रहे हैं, राशन पहुँचाने के बाद उनको बताइए कि ये महामारी है और इस महामारी का एक ही इलाज है, पूरी दुनिया में एक इलाज है कि आपको घर पे रहना है, जिसको हम लोग स्टे होम कहते हैं, क्वारंटाइन कहते हैं। आप लोग घर में रहेंगे तो इस महामारी से हम लोग काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे। और मुझे खुशी है कि अभी कल ही मुझे पता चला कि प्रयागराज जो है, हमारी गंगा जमुना की तहजीब का प्रयागराज में जो पॉजिटिव पेशेंट थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये बहुत अच्छा संदेश है। इससे जो है, इसमें जो है सारे समाज के लोग, धर्मों की बात मैं नहीं करना चाहता, सारे धर्म के लोगों ने प्रार्थना की, दुआ किया और प्रेयर किया, तो उस प्रेयर का ये नतीजा है कि आज हमारा प्रयागराज जो है ए श्रेणी में आ गया है और एक भी कोरोना पॉजिटिव जो है पेशेंट नहीं है। और रही बात आपकी कि राशन की बात ये है कि मैं तो मुहैया करा रहा हूँ और कल मेरे पास सूचना आई, देखा 2-3 दिन सूचना आई, तो कल मैंने जो है भ्रमण किया। भ्रमण करने में मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि कोटेदार जो है सही तरीके से गरीबों को और ज़रूरतमंद लोगों को राशन मुहैया नहीं करा रहे हैं। तो उस क्रम में मैंने जो है SDM साहिबा से बात किया और खाद्य विभाग के अधिकारी से मैंने बात किया, उन्होंने मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट दिया। उन्होंने कहा कि आपकी इस पहल के लिए शुक्रिया मुझे अवगत कराने के लिए, और उन्होंने कहा कि अभी जो है मैं यहाँ से निकल के अभी कार्रवाई करती हूँ। उन्होंने कार्रवाई किया और मैं प्रशासनिक जो कार्रवाई हुई है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ कि गरीबों को हक मिलना चाहिए। इस समय हमें राजनीति करने का वक्त नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस महामारी में राजनीति इसलिए नहीं करनी चाहिए, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो राजनीति आप किस पे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है। तो कल जो है एक दो जो है आपके कोटेदार थे उनको जो है नोटिस जारी किया है SDM साहब और बाकी खाद विभाग। कहाँ के कोटेदार थे ये लोग? ये चकदुंदी के थे और आपके इंदलपुर के हैं और एक आध दो कोटेदार और हैं, उनको अभी जो है बताया गया, बोला गया और नोटिस जारी किया गया। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन गरीबों के अंदर एक खुशी की लहर है कि कार्रवाई हो रही है और उनको अन्य जरूर मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि राशन कार्ड हो ना हो, लेकिन गरीबों को आप कोटेदारों से कि उनको जो है आप गल्ला मुहैया कराइए। तो मैं ये कहूँगा कि उसको युद्ध स्तर पे पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए और कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए, ये मानवता कहती है। ये एक सियासी इंसान नहीं कह रहा है। आपके क्षेत्रों में कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है और वो मध्यम वर्ग की है और उनको जो है राशन कोटेदार नहीं दे रहे हैं क्योंकि राशन कार्ड है नहीं, आधार कार्ड है नहीं, तो उनकी मदद किस तरह से होती है? देखिए हमारे मोहल्ले में या आस पड़ोस के जो मोहल्ले में, जो हमारे जानकारी में, पहली चीज़ तो मैं खुद ही लिस्ट बना के वो कर रहा हूँ, लोग आके बताते हैं, शिकायत भी करते हैं, तो मैंने कहा जो कोटेदार दे रहे हैं बाकी तो मैं अपना कर ही रहा हूँ। इसी तरह से मैं ये चाह रहा हूँ जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो कोटेदारों से जाके बात करें और कोटेदारों से पूछे कि अगर वो कोटेदार जो है उनको चीज़ें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो संस्थाएँ खुद आगे आए, खुद बांटे। ये महामारी है, इसमें कोई राजनीति करने की बात नहीं है, और उसकी गुहार लगाएं। आप SDM को सूचना दीजिए, आप DM को सूचना दीजिए, आप लोगों को बताइए क्या हो रहा है। कोटेदार के बाद भी कोटा आता है, कोटेदार भी बताएगा। मैं ये चाहता हूँ, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप गरीबों को भूखा नहीं सोना चाहिए, गरीबों की मदद हर हाल में होनी चाहिए। अभी कल परसों से मैं दूध योजना चलाने जा रहा हूँ, उसमें विगत जितने भी बच्चे हैं मैं तो वितरण कर ही रहा हूँ। दूध योजना में ये रहेगा कि हमारे नैनी क्षेत्र में जितने भी घर हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे 2-3 लीटर दूध की जो है पैकेट जो है वो मुहैया कराई जाएगी। एक डेयरी से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा मैं सील पैक करा करके उसको दूंगा और प्रशासनिक लोग साथ में रहेंगे, उनको अवगत कराने के बाद मैं उसको मुहैया कराऊंगा। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आपके सर पर लाल टोपी भी लगी हुई है, तो आप समाजवादी से भी जुड़े हुए हैं, तो समाजवादी से आप कब से जुड़े हैं? समाजवादी से मैं विगत 12 साल हो गए मुझे जुड़े हुए।
समाजवाद से मैं इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि समाजवाद की जो विचारधारा है वो ऐसी विचारधारा है कि बिना आप समाजवाद की विचारधारा पढ़े आप समाजवादी नहीं हो सकते। और जिस दिन आपने पढ़ लिया समाजवादी विचारधारा, उस दिन मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ कि समाजवादी आप हो जाएंगे। और माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी का कहना भी है, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं और उनके जैसी सोच मेरे ख्याल से युवाओं नेता में और जो मुख्यमंत्री श्रेणी में आते हैं वैसी सोच वाले नेता कोई नहीं है। आदरणीय मुलायम सिंह की आप जीवनी उठा के पढ़ लीजिए, और लोहिया जी के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो उनकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, ऐसे जाबाज समाज सेवी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से मोहम्मद सारिक जी। जी धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप जिसके पास भी जाइए, जिससे भी आप इंटरव्यू लीजिए या अपने माध्यम से आप बोल रहे हैं, उनसे ये कहिए कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घर पर रहें और सैनिटाइज होकर रहें, क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ है देश का। और आप लोग जो चीज़ कहेंगे वो मैसेज दूर दूर तक जाएगा, क्योंकि लोग घरों पे हैं और घर पे रह करके इस समय सारे लोग टीवी पे हैं, सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं। आप लोग से ये निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग जागरूक कराएं, क्योंकि आप लोग ने जागरूक करा करा के लोगों को इस लायक कर दिया कि वो घर पे रहें। और लोगों से ये भी कहिए कि परिवार के साथ रह के मुस्कुराते रहिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, पैनिक मत हो, क्योंकि ये पैनिक वाली बीमारी है ही नहीं, ये सुकून भरी घर में रहने की चीज़ है। आप जैसे गर्मियों की छुट्टी में जो है आराम से घर पर रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, वैसे इस बीमारी में आप लोग घर पर रहिए, बढ़िया खाना बनाइए, भोजन कराइए, आप लोग आराम से सब लोग बैठ के खाइए, मौज करिए, मस्ती करिए, टीवी देखिए और घर में बच्चों को पढ़ाई कराइए, यही सब मैं कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद मोहम्मद सारिक जी। देखा आप लोगों ने दोस्तों, एक विशेष व्यक्ति के साथ आप लोगों की मैंने मुलाकात कराई, और आगे भी हम लोगों का, हमारे न्यूज चैनल का उद्देश्य रहेगा कि ऐसे ही इस तरह हम लोग विशेष व्यक्तियों को खोजते हैं और उनसे आप लोगों को बीच में ला के मुलाकात कराते हैं। हम अपनी BPC न्यूज़ चैनल की टीम को धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ कैमरामैन हिमांशु चौरसिया जी हैं और साथ में राधे कृष्ण तिवारी जी हैं। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।